गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है फिर से आप सब लोगों का मेरे इस चैनल में। यहाँ पर मैं सुबह सुबह जो भी पत्ते सूख गए हैं उन सबको मैंने झाड़ लिया था और हटा ले रही हूँ, पहले साफ कर ले रही हूँ। कीड़े ऐसे थोड़े बहुत अभी भी हैं, उन सबको मैं अभी तारपिन डाल दूँगी। मतलब धीरे धीरे फिर से हो रहे हैं जब असर ख़त्म हो रहा है। तो ये रहा तारपिन जो पेंटिंग में मिलाते हैं, वही है। कम से कम एक एक ढक्कन सब गमलों में डाल दे रही हूँ, फिर मैं ऊपर से पानी डाल दूंगी। यहाँ पर मैं ऐसे डोसा बनाने वाली थी, डोसा तो नहीं बना। उसमें मैंने थोड़ा बहुत सूजी मिला दिया, थोड़ा बहुत बेसन मिला दिया, तब जाके थोड़ा बहुत ये चीला जैसे बन गया। यही है आज का हम लोगों का नाश्ता। और साथ में मैंने मसाला भी बनाया था आलू का, डोसा के साथ खाने के लिए। डोसा नहीं बना लेकिन ये चीला के साथ ही हम खा लेंगे। और मूंगफली चटनी बना दिया था। यही था हम लोगों का नाश्ता सुबह का। ये वीडियो ऐसे विजयदशमी के दिन का है। हम रावण को देखने गए हुए थे बच्चों के साथ। हमारे घर के पास ही पार्क है, उसमें लगा रखे थे। और रावण को ऐसे जलाने के टाइम पे हमने देखा नहीं, पहले ही आ गए थे। पटाखों की आवाज़ से डर लगता है बच्चों को। और यहाँ पर बच्चे भी डांस कर रहे थे, हमारे कॉलोनी के ही बच्चे डांस कर रहे थे। और म्यूजिक मैंने थोड़ा सा ही लगाया है, कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, इसलिए। अच्छे डांस कर रहे थे ऐसे बच्चे। और यहाँ पर ऐसे उत्तराखंड का डांस चल रहा है। उन लोग कैसे रहते हैं, क्या पहनते हैं, वही चीज़ बता रहे थे। अच्छे लग रहे थे ऐसे डांस करते हुए। ऐसे ज़्यादातर यहाँ हम जहाँ रहते हैं उत्तराखंड के लोग ही ज़्यादातर रहते हैं ऐसे। हमारे कॉलोनी में जितने भी हैं उत्तराखंड के ही हैं ऐसे। टाइम हो गया है रावण को जलाने का, हम लोग वापस घर जा रहे हैं। और घर पहुंच गए हैं हम। यहाँ पर मैं आज बनाऊंगी अंडा करी आलू के साथ। प्याज को मैंने ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है, उसमें मैंने टमाटर डाल दिया है। साथ में ही मैं मसाले और स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा मैं कम से कम कुटा हुआ एक चम्मच लहसुन अदरक मिला दे रही हूँ। इन सबको अच्छे से टमाटर को भी गलने देंगे, फ्राई होने देंगे। टमाटर अच्छे से गल गए हैं, अब मैं इसमें बॉईल किया हुआ आलू मिक्स कर दे रही हूँ। और एक दो मिनट तक आलू को अच्छे से पका लिया था, मसाला वगैरह अच्छे से मिक्स कर लिया था। और इसमें मैंने बॉईल किया हुआ अंडा मिला दिया है। आप चाहे तो अंडा को फ्राई भी कर सकते हैं, मैंने ऐसे ही डाल दिया है बीच में से कट करके। एक दो मिनट चला लेंगे, फिर हम पानी जितना चाहिए ग्रेवी इतना पानी मिला देंगे। ग्रेवी जितना चाहिए इतना मैंने पानी डाल दिया है। और साथ में मैं धनिया पत्ता मिला दे रही हूँ। उबाल भी आ गया है, अंडा करी तैयार हो गया है ऐसे। यहाँ पर मैंने ये जो सोफा है इसको तो मैंने साफ़ कर दिया था, और जो जो है सिंगल वाले उसको मैंने साफ़ नहीं किया है, उसको मैं साफ़ कर ले रही हूँ। थोड़ा बहुत डस्ट सब लगा रहता है, उसको मैं ब्रश से कर ले रही हूँ। और गीले कपड़े से मैं पोंछ दे रही हूँ। और थोड़ा बहुत इसमें सफ़ेदी भी लग गया था जब हम सफ़ेदी कर रहे थे घर, उसको ही मैं पोंछ दे रही हूँ। आजकल चूहा भी हमारे घर में आने लगे हैं, और एकदम छोटे साइज के ही आते हैं। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं इतना ऊपर घर के अंदर, तार तार से होके आते होंगे शायद, केवल तार सब जो लगा है। ऐसे रोज फंस जाता है, हटाते हैं, लेकिन फिर भी रोज कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं। और सेम साइज के बड़े भी नहीं, सिर्फ छोटे ही आते हैं ऐसे। रात को ले जाएंगे, बाहर छोड़ देंगे। वीडियो यहीं तक का था फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर अगर नए आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।